बस देखते रहना जियान, मैं तुम्हें एक दिन जरूर सबक सिखाऊंगा। तुम जियान को सबक सिखाओगे? एक दिन कब आएगा वो दिन? मैंने ठान लिया है, आत्मा बनकर खूब डराऊंगा। तुम तो काफी लंबा वक्त इंतजार करने को तैयार हो। तुम मुझ पर हंस रहे हो डोरेमोन। माफ कर देना, मैं तुम पर हंसा नो। बताओ, इस तरह बैठकर उसे सबक सिखाने की मत सोचो, और बदला लेना है तो बहुत ही अच्छे इंसान बनकर जियान को आखिर दिखा ही दो कि कौन बेहतर है। बनकर डराने के लिए इतना इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। ला वो मुझे दे दो। अगर तुमने वो मुझे नहीं दिया तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। प्लीज। ठीक है देता हूँ। क्या कहा कैंडी? जैसे ही तुम इसे मुंह में डालोगे तुम्हें गहरी नींद आ जाएगी और तुम्हारी आत्मा रात को बाहर निकल जाएगी। नहीं डर गए तो क्या फायदा होगा नोबिता? सोने से पहले वो खा लेना। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे भाई, ये तो सच में काम कर गया। मैं इसके पास जा सकता हूँ, ये तो बहुत असली है। डोरेमोन, डोरेमोन, क्या बात है? बाहर अंधेरा है, साथ चलो ना। तुम खुद एक भूत हो नोबिता, तुम डरोगे तो कैसे चलेगा? कितना अंधेरा है, डर लग रहा है। ये सब मुझे जियान की वजह से सहना पड़ रहा है। मैं उसे अच्छे से डराऊंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं सबक सिखाऊंगा तुम्हें, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। सबक सीखने के लिए तुम्हें उठना पड़ेगा जियान। चुप हो जाओ, आखिर हो कौन तुम? आधी रात है। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मुझे पता है नोबिता। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं नोबिता हूँ? तुम्हें डरना चाहिए जियान। भूत डरावने होते हैं, पर नोबिता का भूत डरावना नहीं है, वरना पिट जाओगे। तुम बहुत डरपोक हो। बनने का फायदा ही क्या है नोबिता, अगर तुम ही डर कर भाग जाओगे? डोरेमोन, मुझे ही कुछ करना होगा। एक रोबोट भूत जियान को डरा देगा क्या? मुझे लगता है वो देखकर हंस पड़ेगा। चुप रहो नोबिता। मैं तुमसे बदला लूंगा, मैं तुमसे बदला लूंगा। इसी वजह से तुम कुछ नहीं कर पाए। जियान को अगर तुम्हें डराना है तो तुम्हें और कोशिश करनी होगी। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। बस भी करो। जियान, क्या तुम्हें पता है वक्त क्या हुआ है? मॉम, यहाँ पे दो भूत आए हुए हैं। अरे, तुम सपना देख रहे थे, चलो सो जाओ। क्या वो सपना ही था? ये तो कमाल का गाना चल रहा है। जियान, अब बस बहुत हुआ। मैंने कुछ नहीं किया मॉम, वो तो अपने आप ही बजने लगा। इस तरह बहाने मत बनाओ, दोबारा किया तो पिटाई कर दूंगी। ठीक है मॉम, अब यहाँ ये नहीं बजेगा। बस अब और बर्दाश्त नहीं। या, 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 या। जियान, तुम क्या कर रहे हो? ये सब भूतों ने किया है मॉम, ये सब भूतों ने किया है। मुझे माफ कर दीजिए मॉम। ये कैंडी तो कमाल की है डोरेमोन। अब जब तुमने बदला ले ही लिया है तो कैंडी के बारे में भूल जाओ। ठीक है, ठीक है। नोबिता, तुमने मुझसे पंगा कैसे लिया? लगता है आज रात को मैं फिर से मिलने आऊंगा। कितनी अजीब बात है,
वो यहाँ नहीं है, कहाँ गया? ये जरूर नोबिता का काम होगा, वही मुझे बिना पूछे मेरे गैजेट को ले गया। ये बहुत मजेदार लगता है, क्या मैं ये ले सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता नोबिता। मैं बदला लूंगा, मैं सबक सिखा, मैं बदला लूंगा। मैं सबक सिखाऊंगा, मुझे ये कॉमिक दे दो। क्या नोबिता, तुम तो भूत बनकर भी बिल्कुल डरा, मैं नहीं डराने आया हूँ, हंसानी नहीं। अरे जियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसे कमजोर मत समझो। पता है कल रात क्या हुआ? क्या तुम मुझे ये कॉमिक दोगे? हाँ हाँ, ये लो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुनियो। ये तो सच में बहुत मजेदार कॉमिक है, अच्छा हुआ मैंने सुनियो को ये डरा के ले ली। काम खत्म। खत्म नहीं कर दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो कॉपी करते हैं। नोबिता बिल्कुल सही पहचान। इतने लोगों को डराकर तुम्हें थक गया नोबिता। अरे घर आ गया, तुम सारा दिन बस घूम जाओ, जाकर पढ़ाई करो। ठीक है नोबिता। नोबिता रुक जाओ, अभी के अभी नीचे आओ, सुना नहीं तुमने? नोबिता तुमने वादा किया था जियान को डराने के बाद तुम कैंडी का इस्तेमाल नहीं करोगे। क्या कहा, मैंने वादा किया था? हाँ वादा किया था। हाँ हाँ, मैं बदला लूंगा। मुझे तो कोई फिक्र नहीं है, मैं हमेशा ऐसे रह सकता हूँ। लगता है भूख लग रही है। ये टेस्टी लग रही है। अरे नोबिता, क्या तुम मुझे ये दे सकते हो? क्या, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये दे दो ना, थोड़ा सा दे दो। नहीं हो सकता। अरे बहुत टेस्टी है। अरे नोबिता, ये क्या कर रहा है? पेट भर गया मेरा तो। अरे नहीं, ये सब हो क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे मैं तो ये भी कर सकता हूँ। क्या ये सच है? वो अचानक से मेरे घर भी आ गया, पता नहीं वो मुझे। मैं इस तरह एक भूत को नहीं देखना चाहता। हमें कुछ तो करना ही होगा। क्या फर्क पड़ता है अगर मैं सो नहीं सकता? जब तक मैं उसकी पिटाई न कर दूं, मुझे शांति नहीं मिलेगी। नोबिता, अगर भूत भी है तो भी मैं उसे संभाल लूंगा। बहुत हो गया। निशाना खराब हो गया। नोबिता तुमने तो हद ही कर दी। अब बस करो नोबिता। बाद में मिलते हैं दोस्तों। नोबिता, चलो उठो अब नोबिता। तुम कुछ कहते क्यों नहीं? हाँ, ये क्या है, कोई कैंडी लगती है। सुनियो, तुम तो भूत बन गए हो। तो अब समझ में आया। नोबिता, सबक सिखाएंगे। अरे आज तो हद ही हो गई। नोबिता हमेशा मुझसे मेरे गैजेट बिना पूछे ले लेता है, आज बहुत। मुझे माफ कर दो। तुम नहीं बच सकते। मुझे माफ कर दो। बंदा लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बचकर नहीं भाग सकते नोबिता, वापस आ जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो, वापस आ जाओ। प्लीज मुझे माफ कर दो। जानता था ऐसा ही कुछ होगा, तभी तो कहा था कि ऐसा कुछ मत करना। इस तरह खुद से बात क्यों कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है। नोबी फैमिली, चिट्ठी आई है। अभी आई। ये लीजिए। अरे वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे लिए चिट्ठियां आ गई। अरे ये क्या, जिस चिट्ठी का मुझे इतना ज्यादा इंतजार था वो चिट्ठी तो इसमें है ही नहीं।
अरे नहीं यहाँ नहीं, तुम पीछे हो जाओ। बिल्कुल नहीं। पता नहीं उसने मेरी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया। आखिर क्या बात है मॉम, आप बहुत परेशान लग रही हैं। मुझे योशिको नाका की याद आ रही थी, इसीलिए मैंने उसे एक चिट्ठी लिखी थी। अच्छा अच्छा, वो तो तुम्हारे स्कूल के टाइम की दोस्त है ना। पर उसने अभी तक जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है जरूर ऐसा करने का कोई कारण रहा होगा। आपने उन्हें चिट्ठी कब भेजी थी? एक महीना पहले मैंने आपसे को कहा था, क्यों आपको याद है ना? डैड के चेहरे का रंग तो उड़ गया है। अरे मैं तो इसको भेजना ही भूल गया। ठीक है, मेरा काम ना करने के लिए शुक्रिया। अरे नहीं, बस चिट्ठी भेजना ही तो भूल गया था ना। क्या कहा, बस एक चिट्ठी? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। रुक जाओ, था मैंने उसे पॉकेट में रख लिया और मैं भूल गया। अब मैं क्या करूं? क्या तुम कुछ कर सकते हो? एक तरीका तो है, एडवांस रिस्पांस मेल बॉक्स। लाइए डैड इस चिट्ठी को मेल बॉक्स में डाल दीजिए। क्या इस तरह से? ये तो दो चिट्ठियां हैं। इस मेल बॉक्स से चिट्ठी को भेजने से पहले ही तुम्हें चिट्ठी का जवाब मिल जाता है। उससे पता चल जाता है कि सामने वाला चिट्ठी में क्या जवाब देगा। अरे वाह, सुनिए मॉम, लीजिए, आपको इसी का इंतजार था। अरे वाह, ये तो योशिको की चिट्ठी है। तो लगता है आज भी मेरी दोस्त योशिको मुझे नहीं भूली है। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। और इस तरह मुझे असली यूएफओ दिखाई दिया दोस्तों। हेलो दोस्तों। क्या सच में? ये तो कमाल है। जब भी तुम्हें इसका इस्तेमाल करना हो तो तुम कर सकते हो। इसका इस्तेमाल, एक चिट्ठी चाहिए। क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। जानते हो मैं होशिया मानो की सबसे बड़ी फैन हूँ। वो एक सिंगर है। मैं उन्हें फोटोग्राफ मांगने वाली हूँ, मुझे जाना है कि वो क्या कहेंगे। ये बच्ची कितने प्यारे ढंग से चिट्ठी लिखती है। तो ठीक है, अब मैं उसके ऊपर एक प्यारा सा गाना बनाऊंगा। पहले पागल ऐसा हुआ तो कितना अच्छा होगा ना। जरा रुक जाओ शिज़ुका, एक बार कोशिश तो करो। पता नहीं वो क्या कहेंगे। ये तो बस एक ही चिट्ठी है। इसका मतलब है जब तुमने ये चिट्ठी भेजी तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, नहीं भेजूंगी। शिज़ुका, अरे नहीं। तुम वो बात अच्छे से भी तो कह सकते थे ना नोबिता। नोबिता, क्या मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ? बिल्कुल, किसको भेजोगे? मुझे इसके अंदर का जवाब पढ़ना है। जियान के लिए। चलो पढ़ते हैं इसे। प्यारे जियान, तुम तो मेरे पर तुम इंसान अच्छे नहीं हो। तुम्हें मुझसे अच्छा बर्ताव करना चाहिए। तुम्हारा गाना बहुत बेकार है। सच कहूँ तो तुम्हारी आवाज़ एक गुरिल्ला गुरिल्ला जैसी है। गुरिल्ला, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मैं इसे सच में नहीं भेजूंगा। मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि इस तरह की चिट्ठी का जियान क्या जवाब देता है। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, चलो करके देखते हैं। मैं तैयार हूँ। इसमें क्या लिखा है? जल्दी पढ़ते हैं। मैं सुनियो को धरती में दबा दूंगा या फिर गोरिल्ला के पिंजरे में बंद कर दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगा वो। लिखा होगा उसके हल्के से रंग उड़ गए। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? सुनो दोस्तों, मुझे भी एक चिट्ठी डालनी है। चढ़ा, बस यही है। ये तो काफी मोटी लग रही है। आज आप सुनेंगे एक उभरते हुए सितारे को। मैं इसे एक मशहूर प्रोडक्शन कंपनी को भेज रहा हूँ, तभी साथ में एक डेमो टेप है।
मुझे नहीं लगता ये ठीक रहेगा। मुझे नहीं लगता ये करना चाहिए। क्या मतलब नहीं करना चाहिए? सामने से हट जाओ। ओ, जवाब आ गया। जिस प्रोड्यूसर ने आपका गाना सुना था वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। हम हॉस्पिटल का बिल आपको भेज रहे हैं। क्या मतलब? अरे नहीं, यही कि तुम्हें ये चिट्ठी नहीं भेजनी चाहिए। क्या इसका इस्तेमाल करने का कोई बेहतर तरीका है? मुझे एक आइडिया आया है। मैं शिज़ुका से जो भी बातें करना चाहता हूँ एक चिट्ठी में लिख देता हूँ। पता नहीं वो जवाब देगी कि नहीं, पर चिट्ठी लिख देता हूँ, है ना? ये मेल बॉक्स मुझे चिट्ठी भेजने में हेल्प करेगा। अच्छा ये बात है, अभी शुरू करता हूँ। रुको, मेरे लिए रुको। मेरी प्यारी शिज़ुका, ज्यादा अजीब तो नहीं लग रहा है? अब बस भी करो, क्या कर रहे हो तुम? चलो लिखता हूँ। तुम्हारा चेहरा फूलों जैसा सुंदर है। क्या कहा? गुलाब जैसा, कमल जैसा, गेंदे के फूल जैसा, फूलों की तरह। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, सबसे प्यारी दोस्त। तुम्हारे हाथ के बनाए कपकेक मुझे बहुत ज्यादा पसंद है शिज़ुका। ठीक है, मैं समझ गया, मैं ये सब लिख दूंगा। ये बहुत प्यारी लाइनें हैं, मैं एकदम दिल खोल कर लिखूंगा। ये चिट्ठी बहुत अच्छी होने वाली है। बस भी करो, नोबता बहुत हो गया। तुम ये नहीं भेज सकते, ये बहुत ही अजीब लेटर है नोबता। सच में? अगर तुमने ये भेजा तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। कोई बात नहीं, मैं ये चिट्ठी उसको जरूर भेजूंगा। पता नहीं वो क्या जवाब देगी, मजा आएगा। बस एक ही चिट्ठी? इस पर एड्रेस ना होने की वजह से हम इसे नहीं भेज सके। एक्सपेरिमेंट के लिए भी एड्रेस ले। अब ये वापस नहीं आएगा। अरे ये तो फिर से वापस आ गया। इस पर स्टैंप नहीं लगा, इसीलिए नहीं भेजा गया। कितना कुछ करना पड़ रहा है। मैं जाकर स्टैंप लेकर आता हूँ। हमारी दोस्ती ऐसी ही बनी रहे। तुम्हारी दोस्त तमाकू नोबी। ये चिट्ठी मैं नोबिता को दे देती हूँ। नोबिता, ये चिट्ठी मेल बॉक्स में डाल। हाँ, ये दोनों तो यहाँ है ही नहीं, मैं ही जाकर डाल आती हूँ। हाँ, ये चिट्ठी तो। चलो अब कोशिश करके देखते हैं। अरे वो चिट्ठी कहाँ गई? अरे मुझे क्या पता। वो चिट्ठी? वो तो जब मैं अपनी चिट्ठी डालने गई थी तब उसी के साथ डाल आई। प्लीज अपने आप को संभालो नोबिता। अगर शिज़ुका को वो चिट्ठी मिल गई तो वो मुझसे दोस्ती तोड़ देगी। मैं क्या करूँगा डोरेमोन? ये सब सोच कर कोई फायदा नहीं। नोबिता रुको। मैं दोबारा से फिर से ऐसी ही चिट्ठी लिखूंगा और देखूंगा जवाब क्या होगा। शिज़ुका के पास ये चिट्ठी पहुँचा दो जल्दी से। आ गया, जरूर उसने मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा होगा। ये सब क्या लिखा है? तुमने जो कुछ भी लिखा है उसे पढ़कर मैं तुमसे कभी बात नहीं करना चाहती हूँ। मैंने ये क्या? सुनो नोबिता, समझ गया, लगता है अभी भी इतनी देर नहीं हुई है। चलो फिर से कोशिश करें। जल्दी से वो मेल बॉक्स ढूंढो जहाँ मॉम ने चिट्ठी डाली। वो रहा। हाँ, सुनिए सर। तुम ठीक तो हो नोबिता? रुक जाइए। रुक जाइए सर, रुक जाइए। अरे अब क्या होगा? रुक जाइए प्लीज। तुम दोनों सुबह सुबह मेरे घर के पास क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं हुआ शिज़ुका। Thank you.